हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम काइनेमैटिक्स का ग्राफ वन डायमेंशन मोशन का पढ़ने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके अंतर्गत हम सारे ही क्वेश्चंस काइनेमैटिक्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड, एरिया अंडर द कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, इन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने वाई वर्सेस एक्स ग्राफ लिया है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है तो स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और ये किसी भी पॉइंट पे कर्व के लिए टेन थीटा के इक्वल होती है, और इस ग्राफ के लिए टेन थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होता है। इसके बाद स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो देखिए स्लोप ऑफ कॉर्ड यहां पर ये देखिए कर्व को जो लाइन कट करते हैं इसको हम कॉर्ड कहते हैं, तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड एम इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसके बाद हम यहां पर एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो ये a इज इक्वल टू होगा, सबसे पहले तो यहां पर हमको डिफरेंशियल एरिया निकालना पड़ेगा। ये मैंने ग्राफ लिया है और इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड करना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मैंने एक रेक्टेंगल कट किया और इस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो डीए होगा, और डीए का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल कर्व का एरिया आएगा, यानी डीए को इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू होगी ये लेंथ वाई और इसकी ये विड्थ डी एक्स, सॉरी, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स हो जाएगा। हमको लिमिट लगानी होगी एक्स वन से एक्स टू, तो ये एरिया अंडर द कर्व आएगा। अब देखिए इसके बाद एक्स वर्सेस टी का ग्राफ यानी पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट देखेंगे। तो देखिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने लिया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है ये एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पर वाई की जगह पर एक्स है तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डिफरेंशियल फॉर्म में लेंगे और डी एक्स अपॉन डी टी जो वैल्यू होती है वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो देखिए सेकेंड स्लोप ऑफ कॉर्ड में ये एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और यहां पर टेन थीटा जो होगा ये कॉर्ड ली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होती है। और फिर एरिया अंडर द कर्व, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dt होगा, लिमिट t1 टू t2। तो देखिए इसमें एरिया अंडर द कर्व में x वर्सेस t ग्राफ में हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है, यानी ये ग्राफ हमारे लिए x वर्सेस t का बेकार होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड से एवरेज वेलोसिटी मिलती है। ओके, इसके बाद देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो ये ग्राफ मैंने देखिए ये कर्व लिया है और ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, और यहाँ पर वाई एक्सिस में ये डी वी वाई डी टी के इक्वल होगा, और डी वी वाई डी टी होती है एक्सीलेशन यानी
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू, इसके बाद स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो यहां पर ये v1 v2 होगा, v1 v2 और ये t1 t2, तो t2 माइनस t1 और ये v2 माइनस v1। तो इसमें हम स्लोप ऑफ कॉर्ड फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो ये m इज इक्वल टू tan थीटा और ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो वैल्यू होती है ये एवरेज एक्सीलरेशन। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt, और v की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, v को dxy dt, और ये dt, तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे x लिमिट x1 टू x2, तो ये आएगा x2 माइनस x1 यानी डेल्टा x, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए v वर्सेस t ग्राफ से स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी, स्लोप ऑफ कॉर्ड से एवरेज एक्सीलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए अब हम इसमें जो एग्जांपल करेंगे, दो एग्जांपल कर रहे हैं, पहला मैंने एक्स वर्सेस टी ग्राफ पे लिया है यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ काइनेमेटिक्स का, और दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए फर्स्ट ग्राफ में हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, टी इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 5 और टी इज इक्वल टू 10 अलग अलग टाइम पे। तो देखिए ये हमको इस तरह से ग्राफ दिया है, तो इसमें टी इज इक्वल टू 0 से 4 यानी 3 इसके बीच में आएगा, और 5 ये इस तरह से आ जाएगा किसी पॉइंट पे, और 10 यानी, अब देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो देखिए 0 से 4 सेकेंड, तो जो वेलोसिटी होती है एक्स वर्सेस टी ग्राफ में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू ये tan थीटा के इक्वल होती है, और 0 से लेके 4 सेकेंड तक कहीं पर भी हम इधर थीटा ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा जो है स्ट्रेट लाइन है, तो कॉन्स्टेंट एंगल बन रहा है, यानी 0 से लेके 4 सेकेंड तक वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, यानी v इज इक्वल टू tan थीटा से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस हो जाएगा 4, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा कॉन्स्टेंट था, तो जब कॉन्स्टेंट है तो हर जगह वेलोसिटी सेम होगी 0 से लेके 4 सेकेंड तक। इसके बाद देखिए 5 सेकेंड, तो ये टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए है, इसके बाद टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो देखिए 5 सेकेंड पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लाइन ड्रॉ है यानी ग्राफ, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी v इज इक्वल टू tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसके बाद हम 10 सेकेंड पे फाइंड करेंगे, तो 8 टू 12 के बीच में ये थीटा कांस्टेंट हो है सभी जगह पर एंगल स्ट्रेट लाइन के कारण, तो यहाँ पर अब हम 8 टू 12 के बीच फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी, वही कांस्टेंट होगी सभी जगह पे, तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए हमको वेलोसिटी जो निकालेंगे ये tan थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइंड करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल 10 अपॉन 12 माइनस 8, तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, v वर्सेस t का ग्राफ दिया, तो इसमें ये बॉडी ओरिजिन से 10 मीटर मतलब 0 से इसकी वेलोसिटी स्टार्ट होगी
और 10 मीटर तक बढ़ेगी, फिर घट के जीरो हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, और वी वर्सेस टी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये होगा एरिया 1/2 ट्रायंगल बन रहा है बेस इनटू हाइट, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 5 10, 5 × 5 25 मीटर। और इसके बाद एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 25/5, तो 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आएगी। ओके, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो देखिए ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, ये m इज इक्वल टू टेन थीटा और ये डी ए वाई डी टी होगा। और डी ए वाई डी टी हमको काइनेमेटिक्स में इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इससे हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सेकेंड स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड m इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये टेन थीटा देखें तो इस ग्राफ में ये एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, यानी a2 - a1 / t2 - t1, यानी डेल्टा a अपॉन डेल्टा t, और ये ग्राफ भी हमको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। इसके बाद एरिया अंडर द कर्व, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी करेंगे, ये डिफरेंशियल एरिया इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का a इंटू डी टी, और लिमिट t1 to t2। अब एक्सीलेशन को हम चेंज कर सकते हैं dv by dt, तो ये हो जाएगा dv by dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये v आएगा, और ये लिमिट चेंज हो जाएगी v1 to v2, और ये वैल्यू आएगी v2 - v1, यानी डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी। तो इस तरह से एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड से वैल्यू नहीं मिलेगी, एरिया अंडर द कर्व हमको चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ पे एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी दी है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी है, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एक्सीलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमको चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। एरिया से क्या मिलता है? डेल्टा वी, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। पहले एक्सीलेट कर रहा है फिर एक्सीलेशन डिक्रीज करेगा, यानी एक्सीलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है फिर एक्सीलेशन घट रहा है। तो देखिए इसमें हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, तो 1/2 ये एक्सीलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टी की वैल्यू यहाँ पर 8 सेकेंड। तो इसमें 1/2 बेस की वैल्यू हो जाएगी 8 और हाइट की वैल्यू होगी 10। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40, और v इनिशियल की वैल्यू हमको दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से v फाइनल की जो वैल्यू होगी यही वैल्यू v मैक्स होगी, और ये v इनिशियल की वैल्यू यहाँ पुट करें, इसको ट्रांसफ़र करें, तो 40 + 10 50 मीटर पर सेकेंड होगी। v इनिशियल इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में होगा, और प्लस में 10 वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की वो 50 मीटर पर सेकेंड आएगी। ओके, इसके बाद v वर्सेस x ग्राफ। तो वेलोसिटी और ये पोजीशन ग्राफ यहाँ पे हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये m इज इक्वल टू
टेन थीटा होगा और ये वैल्यू आएगी यहां से डीवी बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट डीवी बाई डी एक्स से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसमें डी टी से हम जब डिवाइड करें तो डीवी बाई डी टी और यहां पर डी एक्स बाई डी टी कर दें तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। इसी तरह से स्लोप ऑफ कॉर्ड में m इज इक्वल टू टेन थीटा और ये होगा v2 टू माइनस वी वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा x है, इसमें डेल्टा t से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो ये वैल्यू मिलेगी एवरेज एक्सीलेशन और ये एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज एक्सीलेशन और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन, और फिर इसके बाद एरिया अंडर द कर्व वी डी एक्स और यहाँ से हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, देखिए कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर ग्राफ से हमको वैल्यू मिले ही, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और स्लोप ऑफ कॉर्ड हमको वैल्यू देंगे, एक्सीलेशन सॉरी एरिया अंडर द कर्व ग्राफ हमको कोई वैल्यू नहीं देगा।